एक बार एक लकड़हारा किसी जंगल में लकड़ी काटने का काम करता था, तो उसको काफी टाइम हो चुका था, लेकिन उसका वेतन की बढ़ोतरी नहीं हुई थी। जबकि उसी कंपनी में एक दूसरा लकड़हारा था, उसको आए हुए मात्र 2 साल हुए थे और उसका प्रमोशन हो चुका था, उसका वेतन काफी बढ़ चुका था पुराने लकड़हारे से। तो ये स्वाभाविक बात होती है कि जब पुराना जो सीनियर लकड़हारा है उसका वेतन कम और नया लकड़हारा है उसका वेतन ज्यादा, तो स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो अपने मैनेजर के पास जाता है और अपने मैनेजर को बोलता है या शिकायत करता है कि भाई जो मैं आपकी कंपनी में 5 साल से काम कर रहा हूँ, मेरा वेतन कम है, जबकि नया लकड़हारा उसको मात्र 2 साल हुए हैं, मेरे से काफी उसका ज्यादा वेतन है। तो मैनेजर ने उसको बिल्कुल क्लियर बोला कि हमारी कंपनी प्रोडक्शन बेस है, कि जो जितना प्रोडक्शन करेगा उसको उतना ही वेतन दिया जाएगा, कि आपका जो काम है कम है, आप कम लकड़ियां काट के लाते हो उसकी आपको वेतन कम दिया जा रहा है, जबकि जो नया लकड़हारा आया है वो ज्यादा लकड़ियां काट के लाता है इसलिए उसका वेतन ज्यादा। तो वो परेशान हो गया, पुराना लकड़हारा उसने सोचा कि अपने ज्यादा लकड़ियां काट के लाते, तो उसने जो 10 से 5 के बीच का जो काम करता था उसने टाइम आवर्स बढ़ा दिए, यानी कि जो 10 बजे लकड़ियां काटने जाता था अब वो 9 बजे घर से निकलने लगा, और उधर भी देर तक 5 बजने के बाद भी 6-7 बजे तक लकड़ी काटता था, और जो बीच का लंच पीरियड मिलता था उसमें भी उसने ज्यादा काम करना शुरू किया। फिर थोड़े समय के बाद लकड़हारा अपने मैनेजर के पास जाता है कि सर अब तो मैं काफी काम करता हूँ आपके सामने, सब आते हैं उससे पहले आ जाता हूँ और सब चले जाते हैं उसके बाद तक भी मैं रुकता हूँ, अब तो मेरा वेतन बढ़ा दीजिए आप। तो मैनेजर ने उनको साफ मना कर दिया कि नहीं, अभी भी आप उनके बराबर काम नहीं हो रहा आपका, उनकी लकड़ियां आपसे काफी ज्यादा है, अभी भी आप उनके बराबर काम नहीं कर पा रहे हो, इसलिए आपका वेतन बढ़ाना संभव नहीं होगा। तो फिर उस पुराने लकड़हारे ने मैनेजर से कहा कि सर ये तो मेरे साथ अन्याय है, अब मैं क्या करूं कि उसके बराबर लकड़ियां काट सकूं। तो मैनेजर ने बोला कि इसका उपाय मेरे पास नहीं है, इसका उपाय आपको जो नया लकड़हारा है उसके पास जाकर पूछना पड़ेगा कि वो ऐसी कौन सी टेक्निक अपनाते हैं ताकि वो ज्यादा लकड़ियां काट। तो मजबूरन पहले ईगो था उनके पास, ईगो को दूर करके वो नए लकड़हारे के पास जाता है और पूछता है कि भाई आप ऐसी कौन सी टेक्निक काम में लेते हो कि कम समय में ज्यादा लकड़ियां काट दे। उसने सिंपल सा बताया कि मैं कोई ज्यादा टेक्निक काम में नहीं लेता, मैं तो सिंपल सा तरीका अपनाता हूँ। कौन सा तरीका हो कि जो कुल्हाड़ी से मैं लकड़ियां काटता हूँ उसको लकड़ी काटने से पहले घिसने का हूँ थोड़ा, जबकि नया पेड़ काटना शुरू करता हूँ उस लकड़ी को घिसने के बाद पेड़ काटना शुरू करता हूँ, मैं कोई ज्यादा टेक्निक इसमें नहीं लगाता। तो पुराने लकड़हारे को समझ में आया कि मैं तो लकड़ी को घिसना भूल ही जाता हूँ, एक बार जब घिसता हूँ उसके बाद पता नहीं पड़ता है कि कब घिसी होगी इसको, तो स्वाभाविक है उसका प्रोडक्शन कम होगा और नए लकड़हारा जो बार बार उसको घिस रहा है अपनी धार तेज कर रहा है उसका प्रोडक्शन ज्यादा, जबकि वो मेहनत कम कर रहा, नया लकड़हारा मेहनत कम कर रहा तो पुराना लकड़हारा ज्यादा मेहनत करते हुए भी प्रोडक्शन कम दे रहा। सेम ऐसा कैसे अपने पेशे के साथ होता है, अगर ये सोचते हैं कि अपने अंदर जो नॉलेज है वो काफी है और अपने को जरूरत नहीं है, साथियों इस बात को अपने को रियलाइज करना पड़ेगा कि दुनिया में नई नई टेक्निक्स ईजाद हो चुकी है कि बच्चों को किस प्रकार से अपन ट्रीट करें क्लास में, ऐसी कौन सी विधि से उनको पढ़ाएं कि वो ज्यादा से ज्यादा अचीव कर सके, उनकी क्षमताओं का पूरा पूरा उपयोग कर सके। इन ट्रेनिंग्स का मकसद भी यही है कि ऐसी कौन कौन सी नई टेक्निक्स अपन काम में लें ताकि बच्चे विद्यालय से जुड़ पाए और जो उनकी दक्षताएं हैं क्षमताएं हैं उनका हम भरपूर उपयोग कर सके। धन्यवाद।